नमस्कार, मंजुला आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास में आप सबको जेंट्स सॉक्स बनाना बताएंगे। इसके लिए हमने लिया है 125 ग्राम ऊन, 10 नंबर की सिलाई। तो आइए शुरू करते हैं। 10 नंबर की सिलाई में सबसे पहले 70 फंदे डालेंगे। देखिए फंदे हमने एकदम सिंपल तरीके से डाले हैं। एकदम सिंपल फंदे ही डालना है ताकि हमें सिलाई करते समय आसानी हो। देखिए आप इस तरीके से 70 फंदे डाल लेंगे। देखिए मैं एकदम सिंपल तरीके से फंदे डाल रही हूँ। ये देखिए चार सिलाई हमने दोनों तरफ से उल्टी उल्टी ही बुनाई की है। अब यहाँ आठ फंदे जो दोनों तरफ पट्टियां बनेंगी, इसको पहले आठ फंदे को उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए हमने यह आठ फंदे उल्टे बुन लिए। इसी प्रकार यहाँ भी आठ फंदे उल्टे ही बुनेंगे। ये और ये जो बीच का चौवन है इसकी सीधी बुनाई करेंगे। ये देखिए पूरा जब तक अंगूठा अलग करेंगे तब तक के यह सीधी बुनाई चौवन फंदे को। पिछली सिलाई में इसको उल्टा बुनेंगे ताकि सामने से यह सीधा दिखाई दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ये आठ उल्टा फंदों की पट्टी है। ये आठ फंदे उल्टा हैं जो दोनों तरफ पट्टी बनेगा। जो सामने से सीधा ही बुनना है और पीछे सिलाई में ऐसा उल्टा बुनना है। अब जब हम पिछली सिलाई बुनेंगे तब जो आठ फंदे पट्टी वाले हैं उनको इस तरह बुनेंगे ताकि वो उल्टा फंदों की पट्टी बन सके। सिर्फ आठ को ऐसे बुनेंगे ताकि वो सामने से उल्टा फंदे की पट्टी बन सके। ये हो गए आठ। अब इस तरह बुनना है पूरी सिलाई। आखिर में फिर आठ फंदों को पट्टी के लिए ऐसे ही बुनना है जैसे पहले बुने हैं। अब जब हम सामने की तरफ आए, सामने सिलाई पूरी सीधी बुननी है। सामने से पूरा सारे फंदे सीधे सीधे बनेंगे। ये देखिए ये बीच का हुआ हमारा 9.5 इंच। ये बीच की लंबाई 9.5 इंच और ये जो धारी वाली पट्टी है ये हमारा बन चुका है पूरा 8 इंच। 8 इंच अगर इसको गिनेंगे तो ये 38 लाइन है। 38 लाइन ये है। अब हम यहाँ से उंगलियां निकालेंगे। 46 फंदे से अब हम उंगलियां बनाएंगे। ये देखिए अब हमें धारी नहीं बनानी है। जो उल्टा फंदों की धारी बना रहे थे ये अब नहीं बनाना है। अब सारे फंदे सीधे ही बनेंगे। इस तरह पूरे 46 फंदों का सीधा ही बुनना है जिससे हम उंगलियां बनाएंगे। ये हमारे 46 फंदे यहाँ तक हैं। इतने फंदों से उंगलियां बनेंगी और ये 24 फंदे इससे अंगूठे बनेंगे। इसको आप सामने से सीधा और पीछे से उल्टा बस इसी तरह बनाना है इसको 2.25 इंच तक। ये देखिए ये धारी के बाद हमारी 2.25 इंच बन चुका है। 2.25 इंच हो गया। अब हम ये 46 फंदे का बीच का तीन का एक चोटी बनाने के लिए इस तरह बुनाई करेंगे। ये देखिए इधर 22 फंदे हैं और इधर
21 है, ये 3 का 1 करेंगे इस तरह। ये 3 का 1 हुआ, अब इसमें बीच वाला फंदा उठा लेंगे और इसको इसके ऊपर से ऐसे पार करेंगे। ये हमारा बीच का चोटी बन गया, ये देखिए इसको ऐसे पार करें, ये हमारा चोटी बन गया, इस तरह चोटी बनेगी। फिर यहीं पे जब फिर आएंगे तब हम फिर 3 का 1 करके ऐसी चोटी फिर बनाएंगे वापस जब यहीं आएंगे तब। ये देखिए पिछली लाइन में हम यहाँ पर चोटी बनाए थे वहीं पे फिर आ गए, अब हमें फिर यहाँ चोटी बनाना है जिससे उंगलियों का शेप बनेगा। चोटी बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 फंदों को एक साथ लेना है हमें, ये देखिए 3 फंदे उठा लिए हमने, 3 का 1 करना है पहले, 3 का 1 इस तरह ये 1 हुआ। अब इसके बीच वाले फंदे को सलाई में फिर उठा लेना है और उठा के इस सलाई पे ले आना है और जो फंदा उठाए थे उसे पार कर देना। ये देखिए इस प्रकार ये हमारी चोटी, ये देखिए ये चोटी बन के ये उंगलियों का आकार बनेगा। उसके बाद ये बचे हुए ये 21 फंदे हैं इसको फिर बुन लेना है, पीछे पूरा उल्टा बनना है। इसी प्रकार हमारे यहाँ पे हमको टोटल 12 फंदे घटाने हैं, 6 बार 6 बार जब पीछे से आगे आएंगे तो 6 बार यहाँ पे 3 का 1 करना है, इस प्रकार हमारा 12 फंदा घट जाएगा। ये देखिए अब हमारा ये उंगली का शेप, उंगलियों का शेप आकार आ गया, चोटी बन गई, 12 फंदे घट गए हैं। अब दोनों सलाइयों में ये 34 फंदे हैं, इसको दोनों सलाइयों में 17 फंदे रख के इस तरह एक और सलाई लेके इसको बंद करना है। ये देखिए हमें ऐसे बंद करेंगे, दोनों में से एक एक फंदा लेके ऐसे बुनेंगे। ये देखिए इसको बंद करते समय 3 सलाई रखेंगे, ये देखिए अब ये 2 बार बुन लिए, इसको इस तरह घटाएंगे, कम कर देंगे फंदा इसके, ये देखिए हो गया। अब फिर ऐसे बुनेंगे और इसी प्रकार इसको पूरा बंद कर देंगे, जैसे हम कंधे को बंद करते हैं स्वेटर बनाते समय, देखिए इस तरह पूरे यहाँ तक बंद कर देंगे। ये दोनों सलाई में 34 फंदे बराबर बांटे हैं, 3 सलाई लेके बंद करने हैं। ये देखिए अब हमारा ये 24 फंदे हैं, 24 फंदे से अब हम अंगूठे बनाएंगे, यहाँ से इतनी लंबाई आने तक के अंगूठे बनाएंगे। 24 फंदे अंगूठे के लिए हमने रखे हैं, ये देखिए जितनी लंबाई उंगलियों की है उतनी ही लंबाई अंगूठे की भी है, ये देखिए 3.5 आ रहा है उतनी ही लंबाई इसकी भी है। अब हम अंगूठे को बिल्कुल उसी प्रकार बंद करेंगे जैसे उंगलियों को बंद किए हैं, ऐसे 3 सलाई ले लेंगे, 2 सलाई में फंदे बराबर, 24 फंदे बराबर बांट लिए हमने और जैसे उंगलियों को फोल्ड करके बंद करे हैं बिल्कुल उसी प्रकार अंगूठे को भी बंद करेंगे, लंबाई बराबर है, देखिए ऐसे और फिर ऐसे।
ऐसे इसको ये बंद होते जाएगा। इस प्रकार पूरे फंदे बंद कर देंगे जैसे इसको बंद किए हैं। ये देखिए अब हमारा सॉक्स पूरा तैयार हो गया है, बस सिलाई करनी है। सिलाई के लिए हम जहाँ पर फंदे डाले थे वहाँ पर को पहले सिलना है, जो ऐसे है उसको ऐसे मोड़ लेंगे जहाँ से फंदे डाले थे। और ये मैंने नाट लगाया इस पे और इसकी सिलाई पहले करनी है हमको। सिंपल सिलाई है इसमें, इधर का जो फंदे डाले थे और इधर का ऐसे पकड़ के इस प्रकार सिंपल सिलाई करनी है। बस ऐसे ही सिंपल सिलते जाना है। ये अंगूठे की सिलाई इसी प्रकार, बस इसी प्रकार ये जो उंगलियों वाला हिस्सा है अंगूठा हमारा, ये जहाँ पे यहाँ ज्वाइंट है यहाँ से जहाँ से फंदे हमने अंगूठे के अलग किए हैं बस यहीं तक सिलना है। उसी प्रकार उंगलियों वाले हिस्से को भी यहाँ से इसकी स्टार्ट करके जहाँ से फंदे अलग किए थे यहाँ तक की सिलाई करनी, बस सिंपल सिलाई दोनों का। ये अंगूठा यहाँ तक और इसका यहाँ तक, और ये पीछे का जो फंदे डाले थे वो ऐसे सिंपल सिलाई इसकी हो गई है। ये यहाँ पर मैंने जो पट्टी बनती आई हमारी आठ आठ फंदों की दोनों तरफ, इसके सिर्फ मैंने पांच लाइन यानी एक दो तीन चार पांच और इधर से पांच, बस ये जेंट्स सॉक्स है इसलिए सिर्फ हमें इस पांच लाइन की ही सिलाई करनी है। ये धारी से धारी मिला के सिर्फ पांच लाइन तक के, क्योंकि ये जेंट्स सॉक्स है, सिर्फ एक दो तीन चार पांच इतना ही मैंने इसको सिला है। ये देखिए अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये जेंट्स सॉक्स है इसलिए सिर्फ 12 लाइन तक सिलाई करेंगे। ये हमारी दोनों तरफ की पट्टी है, इसको मिला के मैंने ये 12 लाइन तक की सिलाई की है। धारी से इसकी दोनों तरफ की धारियों को मिला करके ही एकदम सिंपल सिलाई करनी है, बस ऐसे। जेंट्स सॉक्स है इसलिए मैंने इसकी 12 लाइन सिलाई की है। ये यहाँ तक, ये मैंने नाट लगाया है यहाँ तक, बस इसको सिलाई करनी जैसी ये, इसका मैंने 12 लाइन तक की सिलाई की है, इतने में पैर चला जाएगा। ये जो हमने आठ फंदे दोनों तरफ पट्टी के लिए उल्टे फंदे बुने थे इन्हीं को धारी से धारी मिलाते जाना है। ये 12 लाइन की मैंने यहाँ पे नाट इसलिए लगाया है ताकि उससे आगे ना हो। यहाँ से आठ फंदे उल्टे जो बुने थे, दोनों तरफ इसकी धारी पड़ी है, उसको ऐसे धारी से धारी मिला के ऐसे सिलते जाना है यहाँ तक। तो दोनों तरफ से 12-12 धारी हमारी सिलाई में आ जाएगी। इतने में ये जेंट सॉक्स है इसलिए थोड़े मैंने ज्यादा रखे हैं पैर जाने के लिए। देखिए हमारा यह सॉक्स बन गया है। यह सॉक्स जिनको 9 नंबर का जूता आता है उनके लिए है। इसकी लंबाई है बनने के बाद 11 इंच और गोलाई से भी 11 ही है, इसकी गोलाई में भी इसकी 11 है। ये देखिए गोलाई में भी इसकी 11 है। जिनको 9 नंबर का आता है उनके लिए यह सॉक्स है।